वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यश टेक्निक में। यश टेक्निक जो आपको पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता है। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे फिर एक नए लेक्चर में मुलाकात हुई। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने ये हेडिंग डली होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर। तो बच्चों, हमने पहले की वीडियोज में डीसी कंपाउंड जनरेटर की टाइप, मतलब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले। पहले की वीडियोज में हमने क्या देखा, जो हमारा जनरेटर होता है वो कई टाइप्स का होता है डीसी जनरेटर, जैसे कि डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, उसमें भी फिर कई टाइप्स थे। उसमें एक टाइप हमारा क्या था, डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों, मैंने वहां पर आपको ये बताया था कि इसके दो बेसिस पर टाइप्स रख सकते हैं हम, एक तो कनेक्शन के बेस पर शंट वाइंडिंग के, तो वहां पर शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट हो गया था। उसके बाद पिछली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर डीसी कंपाउंड जनरेटर के दो टाइप और होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों, मैंने इन दोनों के भी दो दो टाइप बताए थे, डिफरेंशियल का भी एक शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट बताया था और क्यूम्युलेटिव का भी एक शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट बताया था। तो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने कहा तक पढ़ा दी थी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की, डीसी सीरीज जनरेटर की, डीसी शंट जनरेटर की। तो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था, डीसी कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगली वीडियोज में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैं आपको डीसी कंपाउंड जनरेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पर टाइप बता चुका हूँ और इन्हीं टाइप के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, हैव पेशेंस, आपकी सभी वीडियोज हम लोग बनाते हैं और सभी आपका कंटेंट आएगा, बस आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए भैया, लाइक और करा करिए। आपको पता नहीं है कि आपके लाइक से और शेयर से हम लोग कितने मोटिवेट होते हैं। तो जब हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक करना और शेयर करना तो बनता है ना, और चैनल तो सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वीडियोस की लिंक मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों, क्या है, हमने पिछली वीडियो में डीसी कंपाउंड जनरेटर का दो टाइप्स देखे थे। क्या टाइप देखे थे, एक तो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। एक दूसरा टाइप क्या देखा था हमने, क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों, ये दो टाइप्स हम देख लिए थे, इनके भी टाइप हमने देख लिए थे। तो आज हमें क्या करना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है बच्चों। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों, क्या होता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले कौन सा टाइप है हमारा, डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसकी देखेंगे, डीसी कंपाउंड जनरेटर की। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, डीसी कंपाउंड जनरेटर में जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है अपनी डीसी कंपाउंड जनरेटर में, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों देखो, मैंने आपकी पहले की वीडियोस में मैंने क्या बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं होती है। जैसे कि आप हो, आपकी कुछ विशेषताएं होंगी, आप कोई पढ़ाई में अच्छा हुआ, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हुआ, कोई सिंगिंग में अच्छा हुआ, तो कोई डांसिंग में अच्छा होगा, मतलब किसी ना किसी फील्ड में, कोई किसी ना किसी फील्ड में आप अच्छे होंगे। हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, मतलब अपनी विशेषता होती है। ऐसे ही हमारा डीसी जनरेटर भी होता है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं और हर टाइप की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है, जिसकी जो विशेषता उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में उपयोगी बनाती है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही इसी विशेषता को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखने वाले हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जिसके हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं,
तो देखिए बच्चों, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में हम किन दो पैरामीटर्स यानी कि किन दो कारकों के बीच में देखते हैं बच्चों। एक तो आपका होता है क्या होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वीटी, और दूसरा होता है आपका लोड करंट यानी कि आईएन। टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम वीटी लिखते हैं, क्या है ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज बच्चा आपको पता है ना, जो लोड में देते हैं हम, वो आपका क्या है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है बच्चा, इसके बाद लोड करंट भी बच्चों आपको पता है क्या है, जो लोड में देते हैं तो वो क्या होगी बच्चा लोड करंट। तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच रिलेशन दिखाने वाला कर्व, रिलेशन यानी कि संबंध होता है बच्चों, जैसे कि आपके रिलेटिव है ना उनसे कुछ ना कुछ संबंध होता है आपका, के बीच रिलेशन दिखाने वाला कर्व तो पता होगा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। किसमें? डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा बच्चों, जो हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है ना, इसमें एक तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है, एक लोड करंट होती है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है और लोड करंट होता है उसके बीच में जो कर्व रिलेशन दिखाता है ना, उसी को हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ये कर्व हम देख लेते हैं, कर्व से थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों, तो देखना जरूरी। देखिए बच्चों, ये क्या है आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। तो आपका जो क्या होता है लोड करंट जो है ना आपकी, कौन सी लोड करंट आईएल है ना, ये आपकी किस डायरेक्शन में होती है, मतलब एक्स एक्सिस आपकी लोड करंट दिखाता है और जो आपका वाई एक्सिस है ये आपका क्या दिखाता है टर्मिनल वोल्टेज। क्या दिखाता है बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वीटी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या रिलेशन होता है लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। तो बच्चों क्या होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में, जो आपका लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज होता है ऐसा रिलेशन होता है। अब इसको आप देख रहे होंगे कि जब हम लोड करंट बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखिए बच्चों टर्मिनल वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है बच्चों, देखिए जरा। आप कहेंगे घट रहा है, क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारा लोड करंट जब बढ़ रही है, ये तो बढ़ रही है कंटिन्यूअस, लेकिन हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है ये तो घट रहा है ना। तो यही रिलेशन होता है बच्चों एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है उसमें लोड करंट के बढ़ने पर जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है ना बहुत तेजी से घटता है, तो ये रिलेशन कहलाता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, अब अगला टाइप कौन सा है, क्लियर हो गया होगा ये, तो अगला टाइप हमारे पास कौन सा है, अगला टाइप है हमारे पास क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो क्या देखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूम्युलेटिव जेनरेटर। ओके बच्चों, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाले हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जेनरेटर। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्यूम्युलेटिव जेनरेटर होता है ना बच्चों, ये तीन टाइप का होता है। कौन से तीन टाइप का होता है? एक तो आपका ओवर कंपाउंड यानी कि कंपाउंडिंग की मात्रा के आधार पर ये किन तीन टाइप का होता है, एक तो आपका ओवर कंपाउंड जेनरेटर, एक आपका लेवल और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर,
और तीसरा होता है आपका, तीसरा आपका होता है मतलब लेवल से, जैसे कि पहला आपका ओवर कंपाउंड हो गया, दूसरा आपका लेवल और फ्लैट कंपाउंड हो गया, तीसरा आपका लोअर कंपाउंड जनरेटर रहता है। कौन सा रहता है? लोअर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला टाइप हम कौन सा देखते हैं। जैसे कि आप देखिए तीनों जनरेटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है ना, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाइए। तो क्या ये पहले इसमें भी डेफिनेशन के लिए, इसमें भी हम कौन सा कर्व देखते हैं बच्चों, इसमें भी हम देखते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, मतलब इसमें भी हमें वही देखना है किसके किसके बीच में रिलेशन। आपको एक तो टर्मिनल वोल्टेज VT और IL, टर्मिनल वोल्टेज VT और IL के बीच रिलेशन, बच्चे समझ में आया होगा ना बात, कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखेंगे, जो टर्मिनल वोल्टेज VT और लोड करंट के बीच में क्या देखेंगे, हमारा जो रिलेशन है, यानी कि जो रिलेशन यानी कि संबंध, संबंध तो बच्चों सबको परिचित होंगे संबंध से, आपके संबंधी है, हमारे संबंधी है, सबके होते हैं। ऐसे ही ये हमारे जो जनरेटर है इसके भी पैरामीटर है, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के रिश्तेदार है ये। तो VT और IL के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं, मामा का है, फूफा का है, मामी मामी का है, जो भी हो देखेंगे अब। ठीक है, तो देखिए VT और IL के बीच में रिलेशन, ये आपका क्या है बाई एक्सिस, ये आपका क्या है बच्चों बाई एक्सिस, और ये बाई एक्सिस क्या डिनोट करता है बच्चों, ये बाई एक्सिस दिखाता है आपके टर्मिनल वोल्टेज को। ठीक है बच्चों, अब मैं शॉर्ट में टर्मिनल वोल्टेज ही लिख देता हूँ VT, यानी कि अब समझ जाओगे आप क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कई बार। अब इसको मैं क्या एक्स एक्सिस क्या दिखाएगा आपकी लोड करंट। ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं हम। अब मैंने बच्चों आपको क्या बताया, कितने टाइप होते हैं कम्युनिटिव कंपाउंड जनरेटर के, तीन टाइप होते हैं ना, कौन कौन से, एक तो पहला टाइप होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, तीसरा टाइप लोअर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर देखिए बच्चों, ओवर कंपाउंड जनरेटर में ये है, दो दो स्थितियां दिखाते हैं बच्चों इसकी समझने के लिए, ये क्या है ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे, ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें हम जब लोड करंट को बढ़ा रहे हैं, मतलब जो हमारा लोड करंट है ये जब बढ़ रहा है, देखिए बच्चों बढ़ रहा है, तो इसके साथ में हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखिए बच्चों ये टर्मिनल वोल्टेज जो हमारा है ये बढ़ रहा है कि घट रहा है बच्चों, आप कहेंगे बढ़ रहा है, देखिए साफ साफ दिख रहा है बढ़ रहा है, हाँ तो बच्चा बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, होशियार हो गए हैं आप लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम कौन सा टाइप देखा था जनरेटर का हमने कम्युनिटिव में, एक टाइप देखा था हमने, उस टाइप को हम क्या बोल रहे थे, लेवल और फ्लैट कंपाउंड। तो लेवल और फ्लैट कंपाउंड बच्चों देखिए, ये है बच्चों आपका लेवल और फ्लैट कंपाउंड, लेवल और फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों जो हमारा दूसरा टाइप का जनरेटर होता है जिसको हम लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जब हम लोड करंट यानी कि ये एक्स एक्सिस दिखा रहा है ना, तो जब हम लोड करंट को बढ़ाते हैं ना, तो बच्चों हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है इस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हमारा लोड करंट बढ़े तो भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज उतना है, मतलब कम हो तो भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज उतना है, मतलब लोड करंट के बढ़ने पर भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम इसको देखिए फ्लैट क्यों बोलते हैं, लगभग फ्लैट सा है ये ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स या लेवल कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमने कम्युलेटिव कंपाउंड में कौन सा अगला टाइप देखा था बच्चों, हमने अगला टाइप देखा था आपका तो बच्चों अगला टाइप हमने देखा था लोअर कंपाउंड जनरेटर, क्या देखा था
लोअर कंपाउंड जनरेटर। तो लोअर कंपाउंड जनरेटर में बच्चों कौन सा टाइप, लोअर कंपाउंड जनरेटर। अब बच्चे लोअर से नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये लोअर कंपाउंड जनरेटर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएगी, लोअर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों आप देखिए ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी लोड करंट के बढ़ने पर क्या बढ़ रहा था, टर्मिनल वोल्टेज। लेवल और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में लोड करंट के बढ़ने पर आपका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा था कि घट रहा था, कहेंगे कुछ नहीं होना था भैया, तक लॉग लगभग क्या चल रहा था आपका, कॉन्स्टेंट चल रहा था। तो अब देखिए क्या है आपका लोअर कंपाउंड जनरेटर, तो अब इसमें क्या होगा, जब आपकी लोड करंट बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज घटेगा। आई क्लियर बात समझ में, क्या होगा आपका जब लोड करंट बढ़ेगी तो आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार रिवीजन करते हैं हम सबका। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है बच्चों, शुरुआत हमने कहा थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो हमने देखा था डीसी कंपाउंड जनरेटर हमारा दो टाइप का होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्यूटेटर कंपाउंड जनरेटर। ओके बच्चों, फिर हमने इसमें क्या देखा, दोनों की हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो देखिए बच्चों हमने सबसे पहले किसकी देखी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोल रहे थे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन दिख रहे थे बच्चों, एक तो आपका टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच, इन दो पैरामीटर्स के बीच हम रिलेशन देख रहे थे और एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींच रहे थे। तो वही कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी देख लेते हैं बच्चों। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमारा ये है, तो लोड करंट जब बढ़ रही है हमारी, तो देखिए बच्चों टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो ये क्या है, हमारी लोड करंट के बढ़ने पर जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज घट रहा है, ठीक है। ये रिलेशन हमने देख लिया किसमें, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब हमारा दूसरा जनरेटर भी जो है, अब दूसरा जनरेटर कौन सा है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में भी हमने एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इसमें भी किन दो पैरामीटर्स के बीच रिलेशन देखा, एक तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी और लोड करंट IL के बीच में, ठीक है बच्चों। अब हमने इसमें रिलेशन खींचा तो हमने देखा तीन टाइप थे हमारे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के, ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर और लोअर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर जिसमें हम क्या देख रहे थे, जब हमारी लोड करंट बढ़ रही थी तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कैसा था, ये भी बढ़ रहा था, ठीक है बच्चों। इसके बाद लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में हमने क्या देखा बच्चों, जब हमारी लोड करंट बढ़ रही थी तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है ना, ये कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था इसमें, मतलब ये जैसा था वैसा ही रहा, कांस्टेंट चलता रहा, इसलिए इसका कर्व कैसा रहा, फ्लैट। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया था, लेवल या फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमने लोअर कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इसमें हमने क्या देखा, जो लोड करंट हमारी बढ़ रही थी उसके साथ भी टर्मिनल वोल्टेज हमारा बढ़ रहा था कि घट रहा था, तो आप कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज हमारा उसके साथ घट रहा था। तो आपको मतलब क्लियर हो चुकी है बात, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा पूरा टॉपिक। फिर भी आपको अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, ठीक है बच्चों। मेरा आपका आज को आपको पढ़ाने का मेरा काम आज खत्म हो गया है। तो बच्चों अब आपका काम रह गया है, क्या काम रह गया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर से मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।